मुरादाबाद की पूरे विश्व में विख्यात गंगा जमनी तहजीब को महानगर के समस्त मजहबी नागरिक क्रियान्वित किए हुए हैं। ऐसा कोई भी पर्व या मौका नहीं छोड़ते जब सब मिलकर एक दूसरे के लिए सेवा करते हुए नजर न आ रहे हों। हिंदू मुस्लिम की ऐसी ही एक और मिसाल ताड़ीखाना चौक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में देखने को मिली, जहां श्री गुरु नानक जी की जयंती के पावन अवसर पर विश्व कल्याण आगमन संस्था के चैप्टर की महिला और पुरुष सदस्यों ने गुरुद्वारे का दौरा किया और सिख सदस्यों के साथ सेवा का कार्यभार संभाला। और भी हम जितने भी इवेंट होते हैं सब में आगे हमारा होता है, बड़े हिस्सा देते हैं। कितने समय से सेवा देते चले आ रहे हैं? जी, जैसे आज यहाँ पर आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? हम किसी का देना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं ने जूतों की पॉलिश की, लंगर में खाने पीने की चीजें बांटी, पानी परोसा और यहां तक कि भोजन आदि बनाने में भी अपनी सेवाएं दी। मैं मंजीत सिंह बेखालता प्रजा का प्रेसिडेंट हूं। जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज महादेव जी के प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में यहां सुबह 8 बजे से कीर्तन हो रहा है और अमृतसर से आए हुए आदि जैसे कीर्तन कर रहे हैं। उसके बाद गुरु का गंगा वादा जाएगा और इससे आप देख रहे हैं ये महिलाएं आई हुई हैं संस्था से और गुरु का लंगर बना रही है, सेवा भावना कर रही है और ये लंगर 4 बजे तक चलेगा और उसके बाद शायद डीएम साहब का या एसपी साहब का प्रोग्राम में पक्का फाइनल नहीं हुआ है, उनको पुलाव कमेटी स्वागत करेगी। जैसे मुस्लिम समाज की महिलाएं पुरुष आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है? मुस्लिम समाज की महिलाएं हमें आके एक एकता का प्रतीक दे रही है, एकता की प्रचार कर रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, कोई फर्क नहीं है। देखो आप कैसे गुरु का लंगर बना रही हैं, पटाखे बना रही हैं और हमें इनको देख के अपना खून जो है घर से बढ़ रहा है। जो सियासत है उसको पहले हट के ही आप गुरु भरी सेवा कर देंगे। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि इनको देख के समाज को एक और एक होना चाहिए। राजनीति से हट के, राजनीति अपनी जगह है पर धार्मिक ग्रंथों में जो है ये राजनीति में चलनी चाहिए, सेवा भावना और एक होनी चाहिए। आपका यही मानना है कि जो है अगर मिलकर रहेंगे तभी देश तरक्की कर सकता है? मुट्ठी बन जाएगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे। एक एक मूल्य अलग हो जाएगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे भाई साहब। तो यार मुस्लिम महिला को देखिए उनकी पहला भावना आई है, इन्होंने प्रसादों की सेवा कर रहे हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं और इनको देख के हवा दिन समाज का हाथ जो है गर्व से फूला जा रहा है। इसी के साथ गुरु दरबार में पहुंचकर गुरु ग्रंथी साहिब द्वारा किए गए सत्संग और रागी जत्थे द्वारा सुनाए गए संकीर्तन का आनंद लेते हुए अपना जीवन सफल बनाया। कार्यक्रम को दोनों तरफ से प्यार देखभाल और करुणा के साथ पूरा किया गया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज जिसके संस्थापक सैयद अल्लामा सैयद अब्दुल्ला कादिर जी और यहाँ पर ये गुरुद्वारे में हाजिरी हुई गुरु पर्व के अवसर पर। जी, आज गुरु अंग महान शख्सियत जिन्होंने प्रेम का और आपस में सौहार्द का संदेश दिया, समस्त मानव आज क्या वितरण कर रहे हैं आपके यहाँ द्वारा? जी, कुछ केक बांटे हैं, कुछ हमारे यहाँ की महिला भी जो है वो सेवा करेगी किचन के लिए। जैसे आप सेवा कर रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हो, क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? अच्छा काम करने में तो अच्छे महसूस होता है, अच्छे व्यक्ति की अगर उसमें करें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। बात ये मानव जाति जो है वो सब एक वासुदेव कुटुंब सब के करीब सब आपस में भाई सभी उस मालिक के बंदे हैं और सबका मालिक जो है वो एक ही है, नाम अनेक है। सभी महापुरुष जो धरती पर आए वो सभी के लिए आए, जितना हक सिख उनका है उनका है, श्री गुरु नानक जी पे उतना ही मेरा भी। तो हम तो सभी महापुरुष जितने भी धरती पर आए चाहे वो गुरु नानक जी हों, गौतम बुद्ध हों, मोहम्मद साहब हों, श्री रामचंद्र जी हों, सबका समान आदर करते हैं क्योंकि ये सभी समस्त मानव जाति के लिए प्रेम का और सौहार्द का संदेश लेकर आए थे। गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर श्री गुरु सिंह सभा में सेवा देने पहुंचे मतलूब अली खान, जफर इकबाल, मोहम्मद कामरान, शबनम निखत, आफरीन गुलाब शाह, जैनब उल्फत, मदीहा वसीद, अब्दुल मन्नान, फरीद अहमद आदि लोगों ने सेवा दी।